वीडियो के माध्यम से जुड़ी हमारी वरिष्ठ साथी श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश जी, उपस्थित चेयरमैन रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के सभी अधिकारी, जनरल मैनेजर्स, डीआरएम्स और जितने भी मीडिया के साथी आज जुड़े हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर एक विभाग में हमको कहते हैं कि आप सिस्टम को बारीकी से समझो, बारीकी से समझ के उसमें आम जन साधारण मानवी के जीवन में कैसे एक परिवर्तन आए उस पर फोकस करो और उसको परिवर्तन लाने के लिए टेक्नोलॉजी का व्यवहार करो। आज जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब, आपके अधिकारी, क्रिस की टीम सबने जो ये काम किया है, ये वाकई एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है उस विजन का, उस सोच का, उस दृष्टि का, जिस तरीके से आगे लेके जाना है उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कैसे देश भर में कम से कम 8 या 9 हजार या 10 हजार ऐसे एसेट्स हैं जिसका साल में किसी न किसी के साथ जुड़ाव होता है। मान लो किसी स्टेशन के पास एक पार्किंग, अब पार्किंग का एक छोटा सा काम है, लेकिन वो हमें भले ही छोटा लगे, लेकिन जो व्यक्ति उस पार्किंग के काम को ले रहा है उसके लिए वो एक उसकी जिंदगी है। और जो शहर के लोग उस पार्किंग लॉट को यूज कर रहे हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़ा सुविधा या असुविधा का कारण बनता है। तो पार्किंग लॉट को कैसे ठीक से मैनेज किया जाए, अब इतनी छोटी सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, है छोटी सी बात लेकिन उसका व्यवहार कितना बड़ा है, उसका उपयोग कितना बड़ा है। अब इस तरह की 8-9 हजार एसेट्स, कहीं पे एटीएम लगना है, कहीं पे छोटी सी दवाई की दुकान लगनी है, कहीं पे पार्किंग का सामान है, तो कहीं पे किसी भी तरह के इस तरह की चीजों का, छोटी 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 रेलवे के साथ जुड़ी हुई चीजों का, उन सब को एक एसेट मैनेजमेंट सिस्टम में डाला गया है। उस एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को एक इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्रोसेस के साथ जोड़ा, तो आप देखिए, मान लो उदाहरण लेते हैं हम रतलाम का, इंदौर का लेते हैं, इंदौर की चिवड़े की याद आती है कई बार, तो इंदौर की बात करें। मान लो तो इंदौर के पास में पार्किंग का लॉट है। नॉर्मली क्या होता था पहले, पिछली बार का जो पार्किंग का लॉट है वो चलता आ रहा है, जिसको दिया हुआ है वो चलते जाता है चलते जाता है, और कहीं 4-5 महीने 6 महीने के बाद में याद आती है, याद आने के बाद में उसका एक कमिटी बनती है, टेंडर कमिटी बनती है, वो रिजर्व प्राइस लगाती है, रिजर्व प्राइस फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है, एक ऐसा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, 2-3 महीने तो उसी में निकल जाते हैं, फिर टेंडर निकलता है। अब टेंडर निकला है साहब, टेंडर की ऐसी बड़ी प्रक्रिया कि मतलब कोई भी साधारण इंसान जो उसमें काम करना चाहे, कोई नौजवान उससे जुड़ना चाहे तो वो शायद कभी जुड़े ना पाए। तो कौन जुड़ता है फिर फाइनली, एक ऐसा ग्रुप रहता है हर एक शहर में जिसने कई कई वर्षों से इन सब एसेट्स को अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। यानी एक ऐसा तंत्र बन गया है जिस तंत्र को बाहर का कोई व्यक्ति, कोई नया व्यक्ति जुड़ना चाहे, इफ समबडी न्यू पर्सन, सम न्यू पर्सन वॉन्ट्स टू ज्वाइन दैट सिस्टम, ही और शी कैन नॉट ज्वाइन, सिस्टम इज लाइक दैट। तो कैसे उसको तोड़े, अब जड़ हमको समझ में आई, जड़ कहां पे है। जड़ को सॉल्व करने के लिए एक प्योरली ऑनलाइन सिस्टम बना। अब इस प्योरली ऑनलाइन सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में है कि भाई जैसे रतलाम की, इंदौर की वो जो पार्किंग की एरिया है, उस पार्किंग की एरिया को सीधा साधा इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन सिस्टम में डाल दिया बहुत ही आसानी से। पहले क्या था, डिवीजन में जाओ, डिवीजन में जाके रजिस्ट्रेशन करा के लेके आओ, सब खत्म, कोई डिवीजन में जाने की जरूरत नहीं है, कोई अफसरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठ के रजिस्ट्रेशन किया, ये आपका रजिस्ट्रेशन खत्म, आप रेलवे के साथी बन गए, रेलवे के भागीदार बन गए, अब आप जुड़ गए, अब आप रेलवे के साथ। और जिस एसेट में भी, जहां पर भी आपको काम करना है, आपको इंदौर की उस पार्किंग में अब सीधा आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाएगा, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए ऑक्शन में। 10 लोगों ने ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया, जिसने जीता उसको मिला हाथों हाथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट,
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जो काम टेंडर होने के बाद में 6-7 महीने या 4-5 महीने, एफिशिएंट जगह पे 4-5 महीने, भाई डीआरएम साहब लोग बताएं 4-5 महीने लगते थे कि नहीं लगते थे भाई, जिन जो जो सहमत है वो हाथ खड़ा करे अपना, 4-5 महीने लगते थे कि नहीं लगते थे, सुनाई दे रहा है ना डीआरएम साहब, जीएम साहब, जीएम साहब ने हाथ खड़े किए, डीआरएम साहब का शायद स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो लगते थे 4-5 महीने, अब क्या लगेगा, कुछ दिन, 4-5 दिन, जो 4-5 महीने का समय लगता था वो 4-5 दिन लगेंगे अब। तो इस तरह का एक है, इस तरह का सिस्टम बन रहा है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, इसमें आम आदमी की, साधारण मानवी की, जो हमारे साथ जुड़ना चाहे उस नौजवान के बारे में सोच के जो एक रखा गया प्रावधान, वो सबको जानना जरूरी है। जो एक छोटा व्यापारी होता है, छोटा कारोबारी होता है, उसके पास बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं होती है। अगर किसी ने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के नाम से 1 लाख रुपए भी जमा करा के रखा और 6 महीने तक वो पेंडिंग रहा, रेलवे में फंसा रहा, बड़ी मुश्किल है भाई उसके लिए, तो बहुत बड़ी मुश्किल है। जिसको जो बहुत एक छोटा सा काम करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्रिस और बोर्ड को कि आपने जैसे ही टेंडर का फैसला हो, जो जीते उसके अलावा बाकी सबकी ईएमडी एकदम इलेक्ट्रॉनिकली वापस आपके अकाउंट में जमा। ये होता है ईज ऑफ लिविंग, ये होता है एक पारदर्शिता का एक बड़ा मापदंड, ये होता है वो विजन डिजिटल इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी ने सारे के सारे पूरे देश के सामने रखा है और जिसमें इतने सारे काम किए, अब रेलवे भी उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है। इस भावना के साथ आज ये पोर्टल लॉन्च हो रहा है। कोई नई चीज करे तो उससे पहले एक पायलट जरूर करना चाहिए, ताकि समझ में आए कि क्या गलती है, क्या सीखना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मुझे बहुत खुशी के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पायलट करीब करीब जितना चला है जितना चला है अभी तक, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया है और इतनी संतुष्टि है वेंडर्स में भी, डिवीजन में भी, ऑफिसर्स में भी, सब जगह, और एक आम जनमानस में इसका एक सेटिस्फेक्शन है। तो जो रिफॉर्म्स चल रहे रेलवे में एक एक करके, कभी आपने गतिशक्ति यूनिट की बात देखी, कभी आपने IRMS का सिलेक्शन प्रोसेस देखा, कभी स्टार्टअप्स को जोड़ने का देखा, गतिशक्ति टर्मिनल का, वैगन की डिजाइन पॉलिसी का, उसी कड़ी में आज एक नई चीज जुड़ी है। और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में ऐसे और भी कई सारे रिफॉर्म आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।